मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक गजब का मामला देखने को मिला है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की। यहाँ एक छात्रा अपनी शिकायत लेकर डीएम के पास आई थी। जानवी नाम की छात्रा कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंची तो उसकी बातें सुन प्रभावित होकर कलेक्टर ने उसे अपनी कुर्सी ही सौंप दी। उसके बाद छात्रा जानवी कलेक्टर की कुर्सी पर बैठकर लोगों की समस्या सुनने लगी। साथ ही शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने छात्रा की शिकायत पर कार्रवाई भी की है। एक दिन का कलेक्टर बन जानवी सुर्खियों में आ गई है। सोशल मीडिया पर इस मामले की खूब चर्चा हो रही है। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जानवी रेडियंट ITI संस्थान में पढ़ाई कर रही है। वह संस्थान में परीक्षा देने से वंचित रहे छात्र छात्राओं की शिकायत लेकर पहुंची थी। कलेक्टर ने सुनवाई कर इस मामले की जांच कराए जाने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान ही कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने शिकायत करने आई जानवी को अपनी कुर्सी पर बैठाकर एक दिन के लिए कलेक्टर बना दिया। उसके बाद जानवी कुर्सी पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनती रही। वहीं उन्होंने जानवी को कलेक्टर के दायित्वों के बारे में भी जानकारी दी। इससे जानवी बहुत खुश महसूस कर रही थी। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कहा कि इस जिले में लड़कियों की शिक्षा पर बहुत काम करना है। सुनवाई के दौरान ही मेरे मन में यह विचार आया है कि बच्ची को यह मौका दिया जाए। कम उम्र में ही जिम्मेदारियों का एहसास कराना जरूरी होता है। गौरतलब है कि छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में पूर्व में भी कई अधिकारी ऐसा करते रहे हैं। पिछले साल जबलपुर के SP रहे अमित कुमार सिंह ने भी 5 लड़कों को थोड़ी थोड़ी देर के लिए SP बनाया था। इसके साथ ही दूसरे जिले के भी अधिकारी ऐसा करते रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।